माता शशिमोहन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। शशिमोहन, आपने देखा, कहा यह जा रहा है कि सत्र जो बुलाया गया है सरकार की ओर से, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आपको लगता है कि अब विपक्ष भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गया है और जो सत्र की शुरुआत होने वाली है, क्या लगता है कि इतनी आसानी होगी सरकार के लिए, या फिर वही हंगामे के आसार जो कि विपक्ष में रहकर कांग्रेस किया करती थी? देखिए, सरकार सरकार होती है और सरकार का जो मुखिया होता है उसको सरकार चलाने भी आती है। ये बात सही है कि लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए होते हैं। गुलाबचंद कटारिया भी अभी इसी बात को कह रहे थे। राजेंद्र राठौड़ ने भी ये कहा कि रचनात्मक विपक्ष होगा और अगर सरकार किसी मसले पर जो जनहित का होगा विपक्ष का सहयोग चाहेगी तो विपक्ष उसको सहयोग भी करेगा। लेकिन अशोक गहलोत जब सरकार चलाते हैं, उन्हें 96 विधायकों के साथ, कांग्रेस के 96 विधायक थे पिछली बार, उनके साथ सरकार चलाने का अनुभव है। लेकिन जब गुलाबचंद कटारिया कह रहे थे कि इस बार 73 विधायक हैं और उनकी पार्टी ने 34 विधायकों के प्रतिपक्ष में होने के बावजूद सरकार को एक मिनट से नहीं बैठने दिया था, तो इस बार भी वो ऐसा ही कुछ करेंगे। और जब उन्होंने वसुंधरा राजे से ये कहा कि उनके अनुभव का लाभ लेने की कोशिश पूरी की जाएगी, उनका भी साथ लिया जाएगा, सभी विधायकों को साथ लेंगे, मंच से ही राजेंद्र राठौड़ को उपनेता बनाने का ऐलान कर दिया। भले ही उपनेता को कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती हों, कोई विधानसभा में कोई स्थायी कमरा नहीं मिलता हो, ऐसी व्यवस्था नहीं हो, लेकिन फिर भी राजेंद्र राठौड़।